क्या सहारा इंडिया कंपनी ने जितने भी सहारा निवेशक हैं उनको केवल लॉलीपॉप ही दिया? अभी तक किसी भी निवेशक के अकाउंट में पैसा नहीं आया। निवेशक खासा परेशान हैं और सभी ने क्लेम भी किया 45 डेज बीत जाने के बाद भी उनके अकाउंट में अभी तक पेमेंट नहीं आया। क्या सरकार की तरफ से केवल दिलासा ही दी जा रही थी? क्या सहारा निवेशकों को कुछ भी हासिल नहीं होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उस भोली भाली जनता के जहन में आते हैं। आपको बता दें, जिसने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में लगा दिया, उसने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी, जो भी हमारा पैसा होगा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आखिरी में उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लोगों ने सोचा था कि अब पैसों से हम अपने वृद्धावस्था का जो जीवन यापन है, जो गुजारा है, वो करेंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं हासिल हुआ। वृद्धावस्था में हमारे पैसे काम आएंगे, लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि हमारे पैसे यूं ही चले जाएंगे? किसी ने शादी की, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए, लेकिन क्या उनको पता था कि हमारा पेमेंट यूं ही डूब जाएगा, हमारा पैसा यूं ही बेकार हो जाएगा? लगातार सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं, आपको बता दें, वह सोच रहे हैं कि उनका पैसा कब आएगा, वो बाट जोह रहे हैं कि उनका पैसा कब आएगा, लेकिन आज तक किसी भी सहारा निवेशक के खाते में अभी तक उनका पेमेंट, उनका जो अमाउंट है, वो नहीं आया। बता दे चले, सुब्रत रॉय ने उनके साथ बहुत ही धोखा किया है। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। लोग खासा परेशान है कि हमारा पैसा कब आएगा। किसी समय सहारा इंडिया का बोलबाला था। बचपन के दिनों में लोग सहारा इंडिया पर भरोसा करते थे, हर समय हर जगह सहारा इंडिया का बोलबाला था। जी हाँ, आपको बता दे चले, सहारा समूह आईपीएल की पूरे फ्रेंचाइजी का मालिक हुआ करता था और फॉर्मूला वन रेसिंग टीम फोर्स इंडिया में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। समूह की 90,000 करोड़ रुपए के नियोजित निवेश के साथ पूरे देश में 60 से अधिक शानदार टाउनशिप विकसित करने की योजना थी। किसी समय सहारा इंडिया का नाम था, लेकिन सहारा इस तरीके से गरीबों का बेसहारा हो जाएगा, ये तो किसी ने शायद नहीं सोचा था। कई टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी थी। यह समूह करीब 11 लाख लोगों को रोजगार देता था और रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं, बीमा, मीडिया और मनोरंजन, खेल और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति थी। सहारा के अधिकांश कार्यक्रमों में बॉलीवुड सितारे और प्रसिद्ध खेल हस्तियां नियमित रूप से आते थे। लेकिन क्या किसी को पता था सहारा इस तरीके से डूब जाएगा? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।